दोस्तों भारतवर्ष की बेहतरीन क्विजिन की अगर बात की जाएगी तो उसमें अवधी क्विजिन का जिक्र अगर नहीं आएगा ना तो वो लिस्ट ही अधूरी है। और अवधी क्विजिन की तलाश में मैं खड़ा हूँ लखनऊ मेरी जान रेस्टोरेंट के सामने। पुणे में अवधी क्विजिन मिलना किसी अजूबे से कम नहीं है। मैं खुद लखनऊ के पास अयोध्या से हूँ तो मुझे पता है कि लखनऊ का खाना कितना लजीज होता है, और पुणे में उस तरह का ऑथेंटिसिटी मिल जाए मुझे तो नहीं मिला। मैं करीबन 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन फाइनली मुझे किसी ने बताया कि लखनऊ मेरी जान एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर ऑथेंटिक अवधी जायका मिलता है। तो मैं आ गया हूँ पुणे के विशाल नगर में, तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ का ऑथेंटिक अवधी जायका आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों अगर रेस्टोरेंट की हिस्ट्री की बात की जाए तो करीब 8 साल पुराना ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के जो ऑनर अराफत भाई और उनकी पत्नी रहमत जी शादी के बाद 2013 से लखनऊ से पुणे शिफ्ट हुई और यहाँ वो लखनऊ क्विजिन को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन इनको वो ऑथेंटिक जायका वो फ्लेवर इनको मिल नहीं रहा था। और लखनऊ क्विजिन के नाम पर कुछ भी सेल किया जा रहा था, मसालेदार बिरयानी, ग्रेवी में वो नज़ाकत नहीं, वो अरोमा नहीं। तो इस चीज़ से खफा होकर रहमत जी ने डिसाइड किया कि पिंपले नीलख में एक छोटा सा डिलीवरी आउटलेट खोला जाए जहां सिर्फ 2 एम्प्लॉई के साथ उन्होंने खुद अपने हाथों से कुक करना शुरू किया। जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग थी, खाना इतना जायकादार था कि धीरे धीरे वो लेगेसी आगे बढ़ने लगी। कोरोना काल में होम डिलीवरी का भरमार सी आ गई, फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि कोरोना के बाद एक नॉर्मल रेस्टोरेंट खोला जाए जहां पर वो अपने ऑथेंटिक खाने को डिलीवर कर सकें। और आज हमारे सामने रेस्टोरेंट है, जैसा कि मैंने पता किया कि करीब 100 मसाले से भी अधिक मसाले यूज़ होते हैं कोई भी कबाब या बिरयानी बनाने में। मोटा मोटी मैंने रेस्टोरेंट की बैकग्राउंड आपको बता दिया, खाना हमारा आने वाला है, चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि ये जायका कितना लजीज है। हमारे साथ है मसूद भाई, जो ये हमारा पराठा होता है ना अवधी लखनऊ कुजिन की शान, वो बनाने में एक्सपर्ट है। मसूद भाई ये बताइए इस पराठे के बैटर में क्या क्या पड़ता है? इसमें घी पड़ता है। घी पड़ता है, और जो जब मैदे का पराठा होता है ये, हाँ मैदे, उसमें कुछ और भी मिक्स करते हैं? हाँ, पूछने से पहले घी रहता है, नमक रहता है। घी रहता है, नमक रहता है, और उसके बाद ये इस तरह उल्टे तवे पे ही बनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो लखनऊ का ये जो पराठा है ना, इसको बोलते हैं उल्टे तवे का पराठा, जो कि बहुत फेमस है, और मसूद भाई इसमें एक्सपर्ट है। और उधर देखिए ग्रिल का भी काम हो रहा है, चलिए देखते हैं कि ग्रिल में क्या सेका जा रहा है। दोस्तों तंदूरी पे खड़े हैं हमारे हसन भाई, और जिनको तंदूर एक्सपर्ट कहा जाता है यहाँ पे। और ये क्या बना रहे हैं, उसमें दिखाई जरा। चिकन तंदूरी। ये चिकन तंदूरी, ये फुल तंदूरी है? नहीं, हाफ है। ये हाफ है। हाँ। अच्छा हाफ, ये मतलब ये एक पोर्शन हाफ होगा ना? हाँ, हाफ में एक लेग शेष आएगा। हाँ, फुल में पूरा आएगा। पूरा आएगा। अच्छा, और ये कितना देर, इसमें कितने क्या मसाले यूज हो रहे हैं? इसमें मसाला यूज हो रहे हैं, दही जा रहे हैं, दही के बाद बिरगी मिर्ची जा रहे हैं पिसा हुआ, और अपना नमक जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसका मसाला। कुल कितने मसाले यूज करते होंगे आप इसमें? मतलब 6-7 मसाले। हाँ। इसको कितने देर पकाना पड़ता है, यहाँ पे सेकना पड़ता है? 15-20 मिनट लग जाते हैं। 15-20 मिनट लग जाता है। हाँ। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर चिकन धीरे धीरे सिक रहा है, भट्टी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा आँच है। मतलब हसन भाई को हैट्स ऑफ करना पड़ेगा इतनी देर यहाँ खड़े रहना। अभी चलो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों में इतनी देर यहाँ खड़ा रहना बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया भाई। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं लखनऊ के फेमस गिलावटी कबाब के काउंटर पर, और ये जिब्रील भाई इसमें उस्ताद हैं। जिब्रील भाई बताइए कि ये मतलब क्या करामात कर रहा है, क्या क्या पड़ता है इसमें, कितने मसाले यूज होते हैं? वैसे तो इसमें 120 मसाले यूज होते हैं। 120? हाँ जी, 120 मसाले तो मेरे किचन में नहीं होंगे। 120 मसाले आप क्या पड़ते हैं जी? आराफत भाई से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे इसमें चंदन का पाउडर ही पड़ता है। हाँ जी, और इसमें कुछ क्या नाम है, पान का कुछ, पान के डंडी पड़ती है, हंडी पड़ती है। मतलब ऐसे 120 मसाले हैं। हाँ जी। और दोस्तों ये देखिए, ये पीतल का एक तावा है, अगर इसको आप नॉर्मल तावे बनाएंगे तो वो जायका नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पीतल के तावे यूज़ किए जा रहे हैं और रिफाइंड ऑयल में ये तल किया जा रहा है। एक्चुअली गिलावटी कबाब की हिस्ट्री ये है कि लखनऊ के नवाब जब बुजुर्ग हो गए तो वो नॉनवेज खा नहीं पाते थे क्योंकि उनके दांत कमज़ोर हो गए थे, तो उन्होंने अपने सेफ से बोला कि कोई ऐसा
नॉनवेज का आइटम बनाओ जिसको खाने के लिए मुझे दांतों का इस्तेमाल ना करना पड़े और जबान पर रखते ही हल्का सा बस मुंह चलाने से वो घुल मिल के और उसका आनंद भी मिल जाए। तो उस समय वहाँ के शेफ ने, कलाकारों ने गिलावटी कबाब की इजाद किया। ये मटन का कबाब होता है, चिकन के कबाब ऐसा नहीं बनते, मटन के ही रहते हैं। और ये मटन कबाब की खासियत यही है कि जब इसको आप मुंह में खाते हैं ना, तो आपको मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का सा बस उसको मुस्कुराते हुए इंजॉय करिए और वो घुल मिल जाता है। शायद ये जो कहावत है ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, इसी कबाब से ज़्यादा हुआ होगा, मैं ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन देखिए कितना शानदार ये आइटम है, हमारा बनने वाला है। और इसको खाते हैं मुगलई पराठे के साथ, जो उल्टे तवे का पराठा है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, उसके साथ ही इसको खाया जाता है। तो कभी भी आपको गिलावटी कबाब खाने का मौका मिले तो आपको उल्टे तवा का पराठा ही मंगाना है, उसी के साथ इसका जायका उभर के आता है। टाइम कितना टाइम लगेगा ये? बस हो गया पाँच मिनट। पाँच मिनट में हमारा ये कमाल का जायका तैयार हो रहा है। दोस्तों गिलावटी कबाब हमारा बनकर तैयार हो गया है, वो लग रहा है, और अब बनने जा रहा है शामी कबाब। जुबैर भाई ये बताइए, शामी कबाब और गिलावटी कबाब में क्या डिफरेंस है मेन? इसमें चने की दाल पड़ती है और अच्छा उसमें गिलावटी में नहीं पड़ती है? नहीं, गिलावटी में नहीं पड़ता। अच्छा, शामी कबाब में चने की दाल का बैटर मिक्स होता है मटन के साथ, मटन ही है ना ये? हाँ जी। और गिलावटी कबाब में चना नहीं मिक्स होता है। स्मेल एकदम अलग है, मैं आपको बताऊँ, इसकी स्मेल एकदम अलग आ रही है, चने का महक आ रहा है, गिलावटी में ऐसी महक नहीं थी। देखिए कितना शानदार कबाब है, ये थोड़ा सा गिलावटी कंपेरिजन में हल्का सा टाइट होता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है, और ये एक शेप लेता है पूरा। देखिए बन रहा है, इसमें भी जुबैर भाई मसाले 120 मसाले हैं कि कुछ कम ज़्यादा है? नहीं, इसमें थोड़ा कम है। हाँ जी, कम है। अच्छा, मतलब गिलावटी में 120 मसाले करीब है ना, इसमें थोड़े कम है, लेकिन इसमें भी मसाले काफ़ी पड़े होंगे हर तरह के। हाँ जी। अवधी क्विजिन की दोस्तों बात की जाए तो इस क्विजिन में ना आपको मसाला किक नहीं मारता है, आपको ऐसा नहीं कि खा के लगेगा अरे यार पानी दो या कुछ मीठा दो, उसका एक हल्का सा एसेंस रहता है, एक फ्लेवर रहता है, वो अपनी प्रेजेंस नोटिस करवाता है, लेकिन ऐसा ओवर हाइप नहीं होता है। यही सबसे बड़ी खासियत है अवधी क्विजिन की। हमारा शामी कबाब बन रहा है, उस अब देखिए पराठा भी बन रहे हैं, दोनों से तैयार हो रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है। दोस्तों भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, ट्राई करते हैं जुबैर भाई, ठीक है जी। तो फाइनली हमारा खाना आ चुका है, और ये आया हमारा उल्टे तवा का पराठा। ये क्या है? गलावटी कबाब। ये है शामी कबाब। दोस्तों जरा दोनों का टेक्सचर देखिए, गलावटी कबाब एकदम सॉफ्ट है, और यही शामी कबाब जो है हल्का सा टाइट है, इसमें चना मिक्स है। लेते हैं किक, ट्राई करते हैं। दोस्तों गिलावटी कबाब, जैसा कि मैंने बताया कि 120 मसाले से भी अधिक मसाले इसमें डाले जाते हैं, और ये सारे मसाले, मैंने ओनर से फ़ोन पे बात की थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे मसाले लखनऊ से आते हैं, वहाँ से ट्रेन से लग के आते हैं महीने के महीने। बहुत ही शानदार, देखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक बचपन का प्यार आपको ज़िंदा हो जाए, ये खाने के बाद वो हो रहा है। मैंने बहुत लखनऊ में खाना खाया है, लेकिन ऐसा कबाब पुणे में तो नहीं मिला मुझे आज तक। लखनऊ के लिए हो सकता है ये एक नॉर्मल बात हो, लेकिन पुणे के लिए कमाल। बहुत बढ़िया। अब हम देखने जा रहे हैं शामी कबाब। देखिए शामी कबाब, चना मिक्स होगा, एकदम अलग, चने का उसमें जो एक किक है उसमें है, फ्लेवर है, मसाले काफ़ी हद तक अलग हैं। आप आँख बंद करके बेरा खाते हैं तो आप बता सकते हैं कि ये शामी कबाब मैं खा रहा हूँ कि गिलावटी कबाब खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बेहतरीन। तो दोस्तों हमारा खाना रेडी हो रहा है, तो मैं सोचा तब तक यहाँ पर जो विजिटर हैं, रेगुलर आते रहते हैं, उनसे कुछ बात की जाए। हमारे साथ बैठे हैं अभिजीत जी, जो कि अहमदनगर से हैं और पुणे में आर्चरी क्लासेस चलाते हैं,
अभिजीत जी बताइए कि आप यहाँ क्या खाने आए हैं। तो यहाँ पे मैं बिरयानी निजामी बिरयानी ऑर्डर किया। और आप कह रहे थे कि आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं और लास्ट टाइम आया था मैं शाम को, तो वहाँ यहाँ से मटन बिरयानी पार्सल लेके गया था क्योंकि यहाँ पे वेटिंग था। हाँ, तो मैं घर पे पार्सल लेके गया, इसीलिए मैं आपको बताऊँ, मैं तो ओनर से परमिशन लेके आया था कि मैं अर्ली मॉर्निंग आ जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ 12 बजे आ गया। सर भी इसी टाइम आ गए क्योंकि इनको मालूम है कि भीड़ बढ़ जाती है तो बैठने की जगह नहीं मिलती है। खाना आने वाला है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, लेकिन देखिए कब आता है। वेट कर रहे हैं दोनों लोग। ये क्या है दोस्त? शाही चिकन है। शाही चिकन आ गया है हमारा। और ये क्या है? बोटी कबाब। बोटी कबाब, बोटी ये मटन की है, चिकन की है? चिकन बोटी कबाब है। देखिए दोस्तों, ये चिकन बोटी कबाब है। बोटी कबाब आपको दोस्तों बताऊँ, ये बोनलेस होता है और बहुत चलता है लखनऊ में। तो ये शाही चिकन है, तो ग्रेवी देख रहे हैं, एकदम शाही मावल है। एक पीस लेते हैं, चलो लगी ले लेते हैं। ये बहुत रिच इन फ्लेवर में है, खसखस का फ्लेवर आ रहा है, ड्राई फ्रूट्स के फ्लेवर आ रहे हैं, बहुत रिच ग्रेवी है। आप देखिए किस तरह से इसमें तेल दिख रहा है, बहुत रिच। मैं दिल्ली में एक बार करीम में खाना खाने गया था, कुछ हद तक जो वो ग्रेवी थी उसके जैसी ही ग्रेवी है। पुणे में तो इस तरह की ग्रेवी मैंने कभी नहीं खाई, बहुत बढ़िया। रहे हैं बोटी कबाब, ये बोनलेस चिकन कबाब है। कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, इतना बढ़िया है भाई। और सभी का जायका बिल्कुल डिफरेंट है, ये ग्रेवी बोटी कबाब हो या अपनी शाही चिकन की ग्रेवी हो, एकदम अलग है। आप नहीं कह सकते कि सेम ग्रेवी यूज हुआ है, जैसे लोग बोलते हैं ना टीवी में कि 4 ग्रेवी बना लेते हैं होटल वाले, उसी को बना बना के बनाते रहते हैं। नहीं यार, बिल्कुल नहीं, बहुत टेस्टी है। मैंने जब यहाँ के ओनर से बात की थी दोस्तों, तो उन्होंने बताया था कि क्योंकि उनको क्विजिन लखनऊ का यहाँ चाहिए था, उनको कहीं मिल नहीं रहा था, तो जो यहाँ की ओनर हैं रहमत ने खुद यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट की। और आज वो ऑफिस गई हुई हैं, अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि 10-10 मिलीग्राम के मसाले उन्होंने सेट करके रखे हुए हैं। कोई भी आके, मैं आप भी आकर अगर बनाएंगे, सेम ऐसे ही खाना बनेगा। इतना ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है, इतना ज़्यादा प्रोसेस है कि 1 mm का भी मसाला ऊपर नीचे नहीं होता है। यही शायद सबसे बड़ी USP इस रेस्टोरेंट की है। तो दोस्तों, हमारा फाइनली लखनऊ की शान अवधी बिरयानी आ गई है। आप इस बिरयानी के टेक्सचर को देखिए, इसकी चावल की क्वालिटी देखिए, ये ऑथेंटिक अवधी बिरयानी है। दोस्तों, अवधी बिरयानी की अगर बात करूं तो बहुत मिथ है कि बिरयानी कैसे होगी, क्या होगी। ओनर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी लोग रिव्यू कमेंट डालते हैं कि मसाला था ही नहीं बिरयानी में, सादा चावल था। तो एक्चुअल में जो अवधी बिरयानी होती है वो अवधी बिरयानी नहीं, वो एक तरह से अवधी पुलाव है, जिसमें मसाले अलग से नहीं दिखते हैं आपको, उसके अंदर रचे बसे रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको मसाले नहीं दिखेंगे। तो अगर आप इस तरह की मसालेदार बिरयानी खाते हैं, आप शौकीन हैं, तो उसके लिए भी निज़ामी बिरयानी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जा चुकी है, जो ऑथेंटिक मसाले वाली बिरयानी होती है, थोड़ी तीखी वाली बिरयानी वो है। बाकी हम जैसे लोगों के लिए जिनको अवधी टेस्ट ही पसंद है, तो हमारे लिए तो यही बिरयानी बेस्ट है। कोई भी मसाला इसमें खड़ा नहीं है, सब मसाले
पीस के डाले जाते हैं ताकि उसका एसेंस, उसका फ्लेवर रहे, ना कि वो मुंह पर आए। आइए देखते हैं, देख रहे हैं चावल कैसे खिले खिले हैं, और हल्का सा इसमें केवड़ा डाला गया है, हल्का सा। ज़्यादा केवड़ा हो जाएगा तो वो कोलकाता बिरयानी हो जाएगी, क्योंकि कोलकाता बिरयानी में केवड़े का एक काफ़ी तगड़ा फ्लेवर होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सॉफ्ट मोती ऐसे चावल, मुलायम बिल्कुल, और बिल्कुल फ्लेवरफुल राइस है, लेकिन मसाला ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे बहुत मसाला हो गया। अगर आपको मसाला चाहिए तो आप ग्रेवी ले सकते हैं, उसका मिक्सर भी खा सकते हैं। मुझे ये बिरयानी ऐसे ही पसंद है। चिकन की ये पीस है, देखते हैं। एकदम सॉफ्ट, बहुत कुछ खा लिया है, लेकिन इस बिरयानी के लिए जगह बनानी पड़ेगी। एक कहावत है ना नॉर्थ में कि बस कितनी भरी क्यों ना हो, कंडक्टर की सीट खाली होती है, तो कंडक्टर के लिए सीट खाली है। ये बिरयानी की सीट मैंने बचा के रखी थी कि इसको मैं आखिरी में अच्छे से खाऊंगा। वाह, साथ में देखिए दोस्तों यहाँ रायता आता है। नॉर्थ में आप कभी बिरयानी खाएंगे तो आपको रायता जरूर मिलेगा, वहाँ रायता का चलन है। और ये एक ऐसे ही चिकन की ग्रेवी दे दिया इन्होंने टेस्ट करने के लिए। मुझे लेकिन नॉर्मल बिरयानी ही अच्छी लगती है, इसमें ग्रेवी मिस करने की मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती है, बेहतरीन जायका। तो दोस्तों फाइनल हमारा डेजर्ट आ गया है, जो है किमामी सेवई। किमामी सेवई बहुत फेमस जायका है, अगर आप किसी भी मुस्लिम भाई के यहाँ ईद में गए होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा कि किमामी सेवई कैसे होती है। पुणे महाराष्ट्र में इस सेवई को दूध में उबाला जाता है, जबकि नॉर्थ में इसको चाशनी के साथ उबाला जाता है। देखते हैं, टेस्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए तो ये किमामी सेवई के ऊपर ड्राई फ्रूट्स हैं, और पीछे जो है मावा यानी कि खोवा पड़ा हुआ है, पूरा लबालब फ्लेवर से भरपूर। सबसे अच्छी बात कि बहुत मीठी नहीं है, हल्की मीठी है। अब इसके स्वाद के लिए मैं क्या तारीफ करूं, जब मैं यूपी में रहता हूं कभी इत्तेफाक से ईद पड़ती है तो मेरे दो दोस्त हैं आजम आशीष, उनके यहाँ मैं जाता हूं। उन दोनों दोस्तों की याद आ गई यार, आजम आशीष अगर आप वीडियो देखो तो यकीन मानो कि आपकी याद आ गई। बहुत ही शानदार से भाई, जैसे आपके घर में मिलता था अम्मी के हाथ का, सेम वैसे ही है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ दोस्तों लखनऊ मेरी जान का यह शानदार सफ़र यहाँ समाप्त हो रहा है। मैंने बेहतरीन जायका एक्सपीरियंस किया। ये उनके लिए रेस्टोरेंट है जो ऑथेंटिक अवधी जायके की तलाश में है। आप यहाँ आकर खाइए और आप जानिए कि अवधी जायका होता कैसे है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई जगह पर।